अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाजिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद। आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से फ़हीता राइस। और अगर आप पुलाव, बिरयानी और चाइनीज़ राइस, दाल चावल, राइस की बहुत सारी डिशेज़ से बोर हो गए हैं और कुछ नया डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ये फ़हीता राइस बेहतरीन चॉइस है। वन पॉट मील है, ये मैक्सिकन राइस की तरह होते हैं कुछ कुछ, और इसमें हम एक ही साथ चिकन को बनाएंगे और साथ में राइस और बेल पेपर शामिल करेंगे, सॉसेस डालेंगे और बहुत ही डिलीशियस ये डिश तैयार होगी। रेस्टोरेंट जाके जितने पैसों में आप एक प्लेटर लेते हैं उतने ही पैसों में पूरे घर के लिए आप ये बहुत मज़ेदार से फ़हीता राइस तैयार कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हमने 400 ग्राम ले ली है चिकन बोनलेस और इसको स्ट्रिप्स में काट लिया है और अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें लहसुन ले लिया है जो कि अभी फ्रेश ग्रेट किया है, ताज़ा ही लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें सोया सॉस जाएगा, 1 टेबल स्पून चिली सॉस जाएगा इसमें। बेसिकली यही मैरिनेशन पूरे राइस को कवर करेगा, इसलिए ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें जाएंगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च जाएगी इसमें, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी क्रश रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें, 1/2 टीस्पून ये ज़ीरा है दरदरा, और 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला है। तो 1 टीस्पून भर के हो गया ये, और 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया है चिकन की मैरिनेशन में, अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा, और इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे, और ऑयल शामिल करने के बाद भी अच्छा सा मिक्स करें रब करके, ताकि सारे पीसेस में अच्छी सी मैरिनेशन लग जाए। और ये चूंकि फ़हीता राइस है लिहाजा चिकन को स्ट्रिप्स में इस तरह से काटना है। कितनी मोटाई रखनी है ये आपको दिखाते हैं, देखिए इतनी मोटी स्ट्रिप्स होनी चाहिए ताकि जब राइस में आप खाएँ तो पता चलना चाहिए कि चिकन की क्वांटिटी अच्छी सी नज़र आनी चाहिए। कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए मिनिमम, और इसके बाद आपको राइस के बारे में बताते हैं कि ये हमने सेला राइस ले लिए हैं 1/2 किलो 500 ग्राम। इनको अच्छा सा धोएंगे, और सेला राइस को भीगने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मिनिमम 1.5 घंटा हमने इसको रखा था। देखिए अभी कैसे ट्रांसपेरेंट हुए हैं ये सारे राइस, और जब ये भीग जाएंगे तो बिल्कुल वाइटिश हो जाएंगे, तो इतना भिगोना है इनको। तो कवर करके रख दिया है, और अब 1.5 घंटे बाद देखा है इसको, तो देखिए कितने अच्छे सफ़ेद से हो गए हैं। बस अब इनको पकाना है, तो खुला पानी लेंगे, कोई नाप तोल नहीं है इसमें, और पतीले में उबलते हुए पानी में ये सारे राइस शामिल कर देंगे। और सेला राइस में हमेशा नमक ज़्यादा जाता है, 2 टीस्पून हीप्ड हमने डाला है नमक, बाद में फिर एडजस्ट करेंगे जब बनाने लगेंगे। अच्छा सा इनको पकने दें, और आपको जब लगे कि ये ग्रेन लंबा हो गया है, चावल बढ़ना शुरू हो गए हैं, फिर उसके बाद हाथ से छू कर देखिएगा, 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो बस इनको ढकना नहीं है, कवर नहीं करना है, खुले पानी में इसी तरह पकाना है, और फिर उसके बाद जब ये पक जाएंगे, नरम हो जाएंगे चावल बिल्कुल 100%, तो फिर इनको निकाल लेंगे, निथार लेंगे सारा पानी और इसको ठंडा होने देंगे। तो बिल्कुल खिले खिले अच्छे से चावल बनने चाहिए, तभी मज़ा आएगा फ़हीता राइस का। तो देखिए किस तरह से बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है। बस इनको एक साइड पर रख देंगे, और अब वापस आ जाते हैं चिकन की तरफ, और आपको दिखाते हैं सब्ज़ियाँ। इसमें बेल पेपर जाती है ज़्यादातर, तो हमने 3 कलर की ले ली हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। और उसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, तो इसको भी इस तरह से लंबाई में काट लिया है। अब हम एक पैन रखेंगे, खुले मुँह का बर्तन लीजिएगा, पतीला जो भी लीजिएगा, खुला मुँह हो उसका, और उसमें डाल देंगे 4-5 टेबल स्पून ऑयल, और साथ में ये सारी चिकन शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम रखा है अभी, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। ये पूरी पकनी चाहिए चिकन अच्छी से तैयार हो जाए, सॉफ्ट और टेंडर हो लेकिन जूसी भी हो, तो इसलिए इसमें 1/2 कप पानी शामिल किया है हमने, और फिर इसको कवर कर दिया था। तो बस कोई भूनना वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, थोड़ा सा चलाएँगे और पानी शामिल कर देंगे, और बस फिर कवर कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम कर दिया है अभी अच्छी तरह से, ताकि ये पक जाए और सारे जो चिकन के भी जूसेस निकलेंगे इसमें। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा चिकन घुट जाएगी, तो हमें घोटना भी नहीं है, स्ट्रिप्स को साफ साफ रखना है साबुत। और देखिए 15 मिनट बाद इसको खोल के देखा था तो ये कितनी अच्छी सी पक गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पानी सारा रिड्यूस हो गया है, एवोपरेट हो गया है, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे वापस, क्योंकि जो सॉसेस वगैरह डालें तो फिर वो जलने ना लगें। और अब आपके पास 2 चॉइस है,
कि आप पानी शामिल करने के बाद या तो पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा सॉस जो हमने आपको बनाना सिखाया है और आपसे कहा था कि उसको स्टोर कर लीजिएगा, फ्रीज़ कर दीजिएगा, तो वो शामिल कर दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है ये पास्ता सॉस, जैसे कि हमने डाला है आधी प्याली, तो फिर आप आधी प्याली केचप शामिल कर दें और साथ में उसमें यानी क्वार्टर प्याली केचप और क्वार्टर प्याली चिली गार्लिक सॉस शामिल कर दें। और केचप नहीं डालना तो आप खाली चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधी प्याली ये शामिल कीजिएगा, पानी के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो साथ में ये प्याज शामिल कर देंगे और बेल पेपर शामिल कर देंगे। इनको हमें पकाना नहीं है, थोड़ी सी हमने गार्निशिंग के लिए बचा ली हैं और बाकी इसमें शामिल कर दी हैं। और साथ ही साथ हम इसमें राइस शामिल कर देंगे, बस थोड़ा सा इसको चलाएंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए सब्ज़ियों का, और इनकी खूबसूरती इसी में है। अब ये चावल भी शामिल कर दिए हैं, देखिए स्टीम बनने लगी है अच्छी सी पानी में, जो इतना हमने डाला था और जो सॉस डाला था उसकी वजह से। तो साथ साथ हम चावल शामिल करके थोड़ी सीजनिंग करेंगे। अब इनके ऊपर एक टीस्पून नमक शामिल किया है, मिक्स हर्ब्स हैं ये एक टीस्पून डाल दी हैं, ये काली मिर्च ये भी एक टीस्पून शामिल कर दी है। साथ में इसमें जाएगा सोया सॉस एक टेबलस्पून और वाइट विनेगर एक टेबलस्पून, सफ़ेद सिरका, और अब इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, हर तरफ से मिक्स कर लें। देखिए इसीलिए मैरिनेशन में चिकन की हमने ज़्यादा मिर्च वगैरह डाली थी, क्योंकि वो ही सारे राइस को भी कवर कर रही है। तो बस अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद ये फ़हीता राइस हमारे तैयार हैं। अब इनको हम डिश आउट कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे इन्हीं सब चीज़ों से जो बेल पेपर्स वगैरह थी। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और चिकन कितनी अच्छी लग रही है, टूटी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।